गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। टुडे वी विल रीड योर ईवीएस बुक ऑफ क्लास फर्स्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आपकी ईवीएस की बुक पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की, ग्रीन वर्ल्ड। कौन सी बुक है आपकी ईवीएस की? ग्रीन वर्ल्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ ओवर फैमिली, हमारा परिवार। कौन सा? ओवर फैमिली, हमारा परिवार। तो इसमें हमने क्वेश्चन, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे, कुछ टिक द करेक्ट हो गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए थे और आपके क्वेश्चन आंसर हो गए थे। अब नीचे जो वन वर्ड के आंसर है वो हमें करने हैं, डी, ये वाला, ये करना है हमें। ओके, देखिए डी आंसर इन वन वर्ड। इसका फर्स्ट है योर फादर्स फादर, इट मीन्स आपके पापा के पिताजी आपके क्या लगेंगे बताइए? दादाजी लगेंगे ना हमारे, तो दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रांड फादर, GRANDE, ग्रांड FATHER, ग्रांड फादर। क्या बोलते हैं? GRANDE, ग्रांड FATHER, ग्रांड फादर। हमारे पापा के पापा को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। इसके बाद में है सेकेंड, योर फादर्स ब्रदर, जो आपके पापा हैं उनके भैया हैं वो हमारे क्या लगेंगे? पापा के भैया को हम क्या बोलते हैं? चाचा जी या ताऊ जी बोलते हैं। बड़े होते तो उनको ताऊ जी बोलते हैं, छोटे होते तो ताचा जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को क्या बोलेंगे? अंकल। UNCLE अंकल, क्या बोलेंगे? UNCLE अंकल। इसके बाद में हेड ऑफ द फैमिली। अब बताइए आपके परिवार का हेड कौन है? आपके परिवार का हेड होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादाजी होंगे, और अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो आपके पापा होंगे। हेड ऑफ फैमिली, देखिए इसका होगा या तो ग्रैंडफादर, दोनों बता देती हूँ मैं आपको, या फादर। इसके बाद में है योर फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी, योर फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी क्या लगेगी आपकी? क्या बोलते हो आप अपने पापा की मम्मी को? दादी जी बोलते हो ना, दादी जी को किसमें क्या बोलेंगे? ग्रांड मदर, GRANDE, ग्रांड FATHER, ग्रांड मदर। क्या बोलेंगे हम? ग्रांड मदर, क्या बोलेंगे? ग्रांड मदर। इसके बाद में फाइव है योर फैमिली सरनेम, योर फैमिली सरनेम, सब अपने अपने सरनेम लिखेंगे जो सके। जैसे अभी ऋषभ वीर सम्राट है, यहाँ क्या लगाते हैं? सिंह, सिंह लगाते हो ना। इसके बाद में अर्पिता, अर्पिता क्या लगाती है? सेनी। अनन्या क्या लगाती है? बेरवा। इसके बाद में प्राची, बेरवा। खुशी, बत्रा, खुशी बत्रा लगाती है ना, इसी तरह से। और जैसे समर्थ समृद्धि है वो क्या लगाते हैं? कोरवाल। सब अपने अपने नाम का सरनेम लगाएंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ सरनाम, सब अपना अपना लगाएंगे। ओके,
हो गया देखिए नेक्स्ट व्हाट इज ए निकनेम। निकनेम किसे बोलते हैं? उपनाम जो हमारा आता है, जो हमें घर पर बोलते हैं। कई बच्चों के नाम कैसे होते हैं? जैसे स्कूल में दूसरे होते हैं और घर पर दूसरे होते हैं। होते हैं ना कई बच्चों के नाम होते हैं, तो वो जो दूसरा नाम से बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं निकनेम। क्या बोलते हैं? निकनेम। तो आपका क्वेश्चन है ई निकनेम क्या होता है और आपका निकनेम क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आंसर लिखिए कि निकनेम क्या है। एन इनफॉर्मेबल of your real name usually by your एज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिट्टू। किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, सब हम अपना यहाँ नाम लिखेंगे। ओके, ये फिल कीजिए, कॉपी डाउन कीजिए। देखिए एफ आपका पेज द पिक्चर ऑफ योर फैमिली एंड डिस्कस देयर रिलेशंस विद यू। यहाँ पर आपको अपने फैमिली की फोटो लगानी है, सबकी ग्रुप फोटो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, कजन्स, भाई बहनों, सबकी फोटो लगानी है। और फिर उसके रिलेशन भाई हमारे क्या लगते हैं, ये क्या है, इसे देखना है। और अगर स्मॉल फैमिली में रहते हैं आप, तो पापा मम्मी और आपके आपके भैया की जो रहते हैं घर में, उनकी फोटो आपको लगानी है। अब आपका जी, कंप्लीट द पिक्चर बाय राइटिंग देयर अपोजिट रिलेशन इन द स्पेस गिवन बिलो। तो देखिए
आप लिखेंगे ये आपका लोटस बना हुआ है, इसमें आपके जो रिलेशंस है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे ऊपर है जो एरो बना हुआ है वहां पर है आपके ब्रदर्स हैं। मैं बता देती हूँ आपको, देखिए आपका ऐसा लोटस बना हुआ है। यहाँ से आपका लोटस बना हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके BROTHER ब्रदर। फिर यह लिखा हुआ है UNCLE अंकल। फिर यह लिखा हुआ है फादर FATHER फादर इधर बना हुआ है nephew, फिर GRAMD grand, FATHER grandfather, ऐसा बना हुआ है। अब देखिए आप जो सबसे ऊपर वाला एरो है यहाँ यहाँ लिखना है आपको इस बॉक्स में, ये क्या है ब्रदर, तो ब्रदर का अपोजिट सिस्टर, तो यहाँ लिखिए SISTER सिस्टर, इस बॉक्स में बनाइए सिस्टर। उसके बाद में आपके इससे तो यह फादर FATHER फादर नहीं, इसको बनाएंगे आप MOTHER मदर, क्या लिखेंगे मदर। उसके बाद में अंकल, अंकल का एरो यहाँ है उस पर लिखेंगे आप AUNTY आंट, क्या बनाएंगे AUNTY आंट। इधर देखिए यह है आपका ग्रैंडफादर से, तो इस बॉक्स में लिखेंगे हम ग्रैंडमदर GRAMD ग्रैंड MOTHER ग्रैंडमदर, ये क्या हुआ आपका ग्रैंडमदर। फिर उसके बाद में है नेफ्यू, नेफ्यू में होता है भतीजा, तो हमने के लिए यहाँ पर निस NICE निस निस मीन्स भतीजी। इस तरह से आपको इन बॉक्स में बनाना है, तो लिखिए हो गया। अब एस डब्ल्यू नोट कीजिए, यहाँ डाल देती हूँ मैं आपका एस डब्ल्यू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4। आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ये आपका एल डब्ल्यू है। ओके बाय, सी यू।